गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पर सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है पूरे देश में, आप कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो आपको घर बैठे ही टी मंथन भारत के द्वारा आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। हर विषय की, हर स्टेट के अंदर हर विषय का जो पाठ्यक्रम है आपको, उसी के तहत आपको जो यहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है। हमारे साथ देश के लगभग 12 या 13 जो स्टेट से बंदे वो जुड़ चुके हैं और वहाँ पर भी ऑनलाइन काम चल रहा है। तो हम सीरीज शुरू कर रखी है हमने नाउन। नाउन किसे कहते हैं? नाउन की परिभाषा और नाउन के प्रकार, तो उनमें से हम एक कर चुके हैं हम प्रॉपर नाउन। आगे जो हमारा है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इसके बाद दो हमारे बच जाते हैं मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, वो हम करते हैं और ये शुरू करें आज का। कॉमन, कॉमन का अर्थ होता है साधारण, यानी कि जो सभी के लिए प्रयोग होता है। कॉमन नाउन मतलब अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ अ क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जिस नाउन से किसी विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु का बोध नहीं अपितु समस्त जाति, मतलब पूरी उसकी जाति का, प्रजाति का या कैटेगरी यानी के श्रेणी का पता चले। जैसे हमने प्रॉपर नाउन के अंदर किया था कि उसके अंदर क्या होता है, किसी प्रॉपर यानी के पर्टिकुलर चीज का हमें पता लगता है, लेकिन यहां उसी पर्टिकुलर चीज की हमें क्या मिलती है, कैटेगरी, ठीक है, उसकी जाति या उसकी श्रेणी का बोध होता है। जैसे हमने एक वाक्य लिया था, जैसे राम इज अ डॉक्टर। अब राम है, राम क्या है हमारा, किसी का पर्टिकुलर नेम है पर्सन का, तो राम क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन। बट जो डॉक्टर शब्द आया है यहां पर, डॉक्टर भी एक नाउन है, बट किस प्रकार का नाउन है, ये है हमारा कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉक्टर कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं डॉक्टर, तो जो है वो एक कॉमन वर्ड है, तो डॉक्टर जो है क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। और राम क्या है यहाँ पे, राम हमारा प्रॉपर नाउन है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, तो उसके अंदर इंडिया क्या है हमारा, इंडिया एक प्रॉपर नेम है किसी कंट्री का, तो इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और जो कंट्री है, कंट्री कोई भी हो सकता है, इंडिया है, जापान है, चाइना है, अमेरिका है, तो ये क्या है हमारे, कॉमन। कंट्री क्या है, कॉमन जो है, कंट्री जो है एक कॉमन वर्ड है। अगर किसी का नाम दिया है, किसी देश का नाम दिया है, तो वो कौन सा नाउन हो जाता है हमारा, प्रॉपर नाउन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको, बिल्कुल ये है क्लियर हो जाएगा। जैसे यमुना इज अ रिवर, रिवर क्या है, रिवर एक कॉमन नाउन है, क्योंकि नदी कोई भी हो सकती है, नदी का, जैसे हमने बोल दिया कि नदी बह रही है, ठीक है, तो नदी क्या है, नदी हमारा एक कॉमन नाम है। अगर मैंने बोल दिया कि गंगा नदी बह रही है, कृष्णा नदी बह रही है, तो जो गंगा या कृष्णा है वो होता है हमारा प्रॉपर नाउन, और नदी क्या है हमारा, कॉमन नाउन। ओके, तो उसके बाद हम करते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जैसे हमने दो कर ली है, तीसरा है हमारा कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number of persons or things, यानी कि किसी भी वस्तु या व्यक्तियों का क्या है, एक समूह है। collective noun considered as one, जिनको हम एक ही समझते हैं, समझ आए कि कोई भी व्यक्तियों का या किसी भी वस्तुओं का एक समूह होता है, ग्रुप होता है, जिनको हम एक ही मानते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा, कलेक्टिव नाउन। यानी कि झुंड कह सकते हैं इसको, समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, दल कह सकते हैं, ऐसा इन चीजों का दल, पर्संस और थिंग्स, इनका जो दल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। हिंदी में देख लेते हैं हम इसको एक बार, के समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, वह संज्ञा जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह या झुंडों का पता चले, उनका बोध हो, उसे क्या कहते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। तो इसके एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे हमने शब्द लिखा है क्लास, हिंदी में इसको बोलते हैं
कक्षा। क्लास का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास। टीम, अब टीम हम एक व्यक्ति को टीम नहीं बोल सकते, टीम में एक से ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टीम। तो यह क्या हो गया, ऐसे प्लेयर्स का एक ग्रुप हो जाता है। तो आगे है जैसे बैंड, जो आपने देखा शादी ब्याह में जो म्यूजिशियन आते हैं उनका एक बैंड होता है, तो वो ग्रुप हो गया, उनका दल हो जाता है, तो बैंड भी क्या है, एक ग्रुप का यानी कि एक कलेक्टिव नाउन है। फैमिली है, फैमिली एक बंदे को तो हम फैमिली नहीं कह सकते, फैमिली के अंदर एक से ज्यादा सदस्य होते हैं, तो यह भी फैमिली जो वर्ड है हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे फ्लोक है, बंच है, ग्रुप है, गैंग है, ठीक है, गैंग होता है ना, जैसे गैंगस्टर होते हैं उसके अंदर कई जैसे क्रिमिनल टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, इनका एक समूह है, ठीक है। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ये द्रव्यवाचक संज्ञा होती क्या है, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस दैट इज ईटन, जिसको हम खा सकें, ड्रंक, जिसको हम पी सके, एंड मेजर्ड एंड वेटेड, जिसको हम माप सके या तोल सके। तो हम इसका इस आधार पर ये कह सकते हैं कि मापने और तोलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होती है। हिंदी में हम देख लेते हैं इसको, ऐसी वस्तुओं का बोध कराने वाले जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं या तोलते हैं और इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इनको हम गिन नहीं सकते कि कितनी है ये, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारी, मटेरियल नाउन। अगर हम इसके उदाहरण में देखें तो जैसे वाटर है, वाटर को हम पी सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। ऑयल है हमारा, तेल है, सिल्वर है, बटर है, मिल्क है, चोक है, ठीक है, और कर्ड है, सुगर, लंच, डिनर, ठीक है, लाइम, आयरन, वूल, गोल्ड और वीट, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए गए हैं। तो इनसे भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो मटेरियल नाउन के अंदर काउंट होते हैं, जिन्हें हम छू नहीं, सॉरी, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और इनको क्या करते हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं और तोल सकते हैं। तो ये है हमारा मटेरियल नाउन। इसके अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो वुड होती है, लकड़ी, लकड़ी जो है हमारे मटेरियल नाउन के अंदर आती है, बट जो वुड से चीजें बनती है जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है, इन चीजों को हम कॉमन नाउन के अंदर काउंट करेंगे, समझ गए, कि वुड जो है वो हमारा मटेरियल नाउन है बट जो वुड से चीजें बनती हैं वो हमारी कॉमन नाउन के अंदर काउंट होंगी। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब हम यहां पर देखते हैं कि फीलिंग्स जो हमारे इमोशंस है उस प्रकार की संज्ञा है यह, इन सबसे हटके है। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ अ थिंग विच इज नॉट सीन और टच्ड, जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं उनको, उनको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, उनको हम फील करके समझ सकते हैं। वो कौन सी संज्ञा कहलाती है, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर इसको हम हिंदी में इसकी परिभाषा देखें, वह संज्ञा जिसे हम देख या छू ना सकें, क्या कर सकें, केवल अनुभव द्वारा समझ सके, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, यस, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर है इतना, ओके, हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा। ट्रुथ है जैसे सच्चाई, अब सच्चाई को हम क्या छू सकते हैं, नहीं, क्या हम देख सकते हैं, नहीं, लेकिन उसको फीलिंग ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह सच बोल रहा है या झूठ है। तो जैसे काइंडनेस, दयालुता, अब हम इसको ना छू सकते हैं, ना हम इसको देख सकते हैं, लेकिन इसको फील कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ एग्जांपल्स है, मैं इनको एक बार रीड कर देता हूं, आप इनसे समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार की संज्ञा है। जैसे हीट है, स्लीप, ब्यूटी, लव, पावर्टी,
काइंडनेस, वीकनेस, विजडम, ऑनेस्टी, ग्रेटनेस, ब्रेवरी, डार्कनेस, रिचनेस, लाफ्टर, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, गुडनेस, स्वीटनेस और इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपने मतलब कहीं पड़े मुश्किल होंगे। तो क्या है वो? पहला जो है हम इसका के जो हमारे एक्शंस होते हैं, क्रियाएं, जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो किसके अंदर आती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। ठीक है बच्चों, तो अगला जो पॉइंट बताने जा रहा हूं मैं, साइंस के जितनी विज्ञान है वो सारी के सारी इसी के अंदर आती है। और क्या है, जितनी हमारी लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी, जापानीज, फ्रेंच, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही काउंट होती है। और क्या है, डिजीज़, जितनी बीमारियां हैं, हेडेक है, और जैसे हमारी चल रही है कोरोना वायरस डिजीज़ है, तो ये इस प्रकार की कैंसर है ना, तो ये हमारी सारी जो बीमारियां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। हम इनको देख नहीं सकते, हम इनको छू नहीं सकते, बल्कि महसूस करके समझ सकते हैं। और जो इसके अंदर एक पॉइंट है कि इन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इनका कभी प्लूरल यानी कि बहुवचन नहीं होता। क्लियर बच्चों? तो आज हमारा जो टॉपिक है नाउन का, संज्ञा का, वो हमारा खत्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। और हम इसको अगर देखें तो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बाइलैंग्वल जो हमारा मेथड था उसके अंदर हम दोनों ही संज्ञाएं कर चुके हैं, संज्ञा भी कर चुके हैं और नाउन भी कर चुके हैं। हमने इसको हिंदी में बताया है और इंग्लिश में बताया है। तो यह दोनों प्रकार के जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश में, जो हिंदी में भी संज्ञा है और इंग्लिश में नाउन है, वो हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।